अब यहां पर जो है सीधा सीधा उनका यह कहना है कि लद्दाख की जो रिप्रेजेंटेशन है, कुछ मतलब मुद्दे क्या है, मतलब अब सवाल आता है कि अच्छा यूनियन टेरिटरी से क्या दिक्कत है। देखिए यूनियन टेरिटरी का मतलब यह होता है केंद्र शासित प्रदेश जिसपे सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल रहता है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जॉब्स हैं वो कोई भी उसमें अप्लाई कर सकता है, तो लोकल लोगों के लिए वहां पर जॉब्स में दिक्कत आ रही है। वहां के लोगों का कहना है कि जो लोकसभा एमपी को छोड़कर जो है हमारे पास कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो वहां पर जो है लद्दाख को दो चीजों की जो वहां पर मेन डिमांड है, एक तो स्टेटहुड दिया जाए, लेजिस्लेचर दिया जाए ताकि एमएलएज हो, दूसरी जो वहां पर डिमांड है सिक्स्थ शेड्यूल में उसको ऐड किया जाए। ठीक है, सिक्स्थ शेड्यूल में क्या होता है, सिक्स्थ शेड्यूल में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनते हैं। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स क्या होते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जहां पर वहां के कह लीजिए आप वहां पर लोकल सदस्यों को चुनते हैं, जिसमें 30 मेंबर होते हैं, 26 मेंबर चुने जाते हैं, 4 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं गवर्नर, और ये जो है वहां के पर्टिकुलर एरिया के लैंड राइट्स को लेकर, ट्राइबल राइट्स को लेकर जो है रूल्स रेगुलेशन लॉज को पास कर सकते हैं।